हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज हम लोग एक और सीरियल के सेट पर आए हैं, बंधन टूटे ना। इसकी शूटिंग चल रही है, स्टूडियो है गोरेगांव में और वहीं पर शूट हो रहा है ये। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप। जो स्टूडियो सेटअप होते हैं वो पूरी तरह से शूटिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं, उसकी हाइट, लाइट रखने की प्रॉपर जगह, ताकि कोई भी प्रॉप्स, कोई भी प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत ना आए और कैमरे को पूरे का पूरा स्पेस मिले। अभी देखिए, अगेन फ्रेम में एंट्री है इनकी। फ्रेम में एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको लुक कहाँ रखना है और किस जगह पर कौन सी प्रॉप रखनी है, कहाँ से आपको एग्जिट करना है, क्योंकि फ्रेमिंग और फोकस उसी हिसाब से होता है। इसलिए बोला जाता है कि कैमरा एक्टिंग जो है वो एक टेक्निकल आर्ट है, इसको सीखना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ शूटिंग में काम कर सकते हैं। इसमें भी डबल कैमरा सेटअप है, जैसा मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में दिखाया है। आजकल ज़्यादातर सीरियल्स में डबल कैमरा सेटअप ही होता है ताकि काम फास्ट हो, क्योंकि डेली टेलीकास्ट होता है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको जल्दी जल्दी शूट करें और जल्दी से एडिट करें। ये दोनों फ्रेम हैं, एक में पूरा का पूरा मास्टर शॉट है जहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। डबिंग कर रहे हैं, कुछ लाइंस उनकी नॉइज़ आ गई थी ऑडियो में, उसको वहीं पे डब कर दिया उन्होंने। तो डबिंग की नॉलेज भी अगर एक्टर को होती है तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। अभी ये डिस्कशन चल रहा है, स्क्रिप्टिंग चल रही है, सीन को समझा जा रहा है, लाइंस बोल के देखी जा रही हैं दोनों एक्टर के द्वारा। जैसा उन्होंने बोला माधव आएंगे तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगी, बिकॉज कि कैमरे में उनका लुक मिल पाए, क्योंकि वो सेंटर में ऑब्जेक्ट हैं। ये देखिए, ये स्पेस दे दिया एक आर्टिस्ट ने उनको। तो ये रिहर्सल और स्क्रिप्टिंग हो रही थी। रोलिंग एंड एक्शन। आओ, पैन करो दरवाजे पे। ये पैन करने को बोला कैमरे को। ये एंट्री ली माधव की, यानी कि मेन लीड की। ये कैमरा भी उनके साथ ही मूव करते हुए वापस उसी फ्रेम पे आ गया जो फर्स्ट मार्क था। तो आपने देखा, एक बार रिहर्सल किया पूरे के पूरे सीन को और अब शूट किया जा रहा है। इसलिए एक्टर जितना कॉन्फिडेंट होगा, उसको टेक्निकल चीज़ों की जितनी नॉलेज होगी, उससे जो टेक्निकल स्टाफ है वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि आपका इन आउट और मार्किंग सब प्रॉपर होता है तो उनको बार बार रीटेक्स नहीं लेने होते। और ऐसे ही एक्टर को कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या DOP पसंद करते हैं जो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर आप भी ऐसे ही प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, और प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट तरीका क्या होगा, किस रास्ते पे आप चलेंगे तो बॉलीवुड में आप एंट्री बहुत अच्छे से, ईजिली और कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। जॉइंट फिल्म्स में और भी बहुत सारे ऑन लोकेशन वीडियो अवेलेबल हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से समझ पाएं और बहुत कुछ सीख पाएं। अभी जो दूसरी आर्टिस्ट हैं वो भी डबिंग कर रही हैं अपनी, क्योंकि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जैसा उसने एक्ट किया है वैसे ही मीटर में, वैसे ही पिच में, वैसे ही वॉल्यूम में बाद में वो डब भी करे, क्योंकि सीरियल का काम बड़ा हैट्रिक होता है तो स्टूडियो जाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सेट पर ही डबिंग कर दी जाती है। एक एक्टर को डबिंग की भी पूरी समझ होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।
हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप। I can, I will join.